तो बात करते हैं आज HP के एक और विक्टस लैपटॉप जो कि AMD Ryzen 5 5600H वाला प्रोसेसर के साथ आता है। सो ये वाला 60K के बजट में आता है एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं, इसका मेन स्पेक्स क्या है एंड इस बजट में ये वाला लैपटॉप अच्छा है कि नहीं, तो सारी बात करेंगे। सो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें तो ये वाला लैपटॉप 16.1 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये वाला लैपटॉप साइज में बड़ा नहीं है, डायगोनली जो डिस्प्ले बड़ा है, सो ये वाला लैपटॉप टॉल है यानी कि लंबा लैपटॉप है एंड जो कि एक गेमिंग बेस्ड लैपटॉप है। सो इसका जो 16:10 का रेशियो है डिस्प्ले का साइज काफी बढ़िया है और बेसिकली मुझे डिजाइन अच्छा लगता है। स्क्वायर साइज डिजाइन है जो कि एक अच्छा सा कूल लोगो के साथ आता है एंड थर्मल भी बहुत अच्छा है एंड ये वाला लैपटॉप 2.48 kg वेट के साथ आता है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो पहले बता दिया ये 16.1 इंच फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले के साथ आता है जो कि IPS पैनल वाला एक डिस्प्ले है एंड ये वाला डिस्प्ले बहुत कम बेजल के साथ आता है, 250 nits का ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है एंड इसका जो कलर गैमेट है 45% NTSC है एंड एक 60Hz डिस्प्ले है। सो जो कि एक गेमिंग लैपटॉप 60Hz से ज्यादा होना चाहिए था, सो ये वाला थोड़ा मुझे बैक पॉइंट लगा। और दोस्तों CPU एंड GPU की बात करें तो आपको इधर CPU में AMD Ryzen 5 5600H वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि अप टू 4.2 GHz तक जाता है एंड एक 6-core 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है जो कि 16 MB कैश मेमोरी के साथ आता है। और GPU की बात करें तो आपको इधर AMD का ही Radeon RX 5500M वाला ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है जो कि एक GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड है एंड 4GB VRAM को प्रोवाइड करता है। सो इन शॉर्टकट आपको 4GB का एक AMD ग्राफिक्स कार्ड मिलने वाला है। और अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इधर 8GB DDR4 RAM मिलने वाला है जो कि 3200 MHz पर रन करता है एंड इसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB तक। अगर स्टोरेज की बात करें तो आपको 512GB PCIe NVMe M.2 SSD मिलने वाला है, BNO का ऑडियो सपोर्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 11 होम मिलेगा एंड उसके साथ साथ आपको एलेक्सा बिल्ट इन मिलता है, ओमेन गेमिंग हब मिल जाता है जो कि HP का एक कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हो एंड इधर एयर फ्लो जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया है, 4 हीट पाइप प्रोवाइड किया है एंड उसके साथ साथ 5 एयर फ्लो वेंट्स दिया है। सो इधर गुड कूलिंग मिल जाता है एंड उसके साथ साथ जो टच पैड है ना वो पहले के मुकाबले यानी कि पेविलियन वगैरह लैपटॉप के मुकाबले थोड़ा बिगर हो चुका है जिधर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सॉरी बाहर थोड़ा आपको नॉइज मिलेगा। एंड अगर बैटरी एंड कीबोर्ड की बात करें तो आपको इधर बैटरी में मिल जाता है 70 Wh का एक बैटरी जो कि मैक्सिमम आपको 4 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा एंड कीबोर्ड की बात करें तो आपको इधर एक फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है। और दोस्तों अगर पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में पहले आपको एक पावर पोर्ट मिल जाता है, देन RJ45 मिलता है, HDMI का पोर्ट मिलता है, USB A मिल जाता है, USB Type-C 3.2 मिलता है, देन आपको एक 3.5mm का ऑडियो माइक कॉम्बिनेशन जैक मिल जाता है, कार्ड रीडर का स्लॉट है एंड अगर ऑपोजिट साइड की बात करें तो आपको उधर 2 USB A पोर्ट्स मिल जाता है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इधर Wi-Fi 6 का सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ में ब्लूटूथ 5.2 का कॉम्बो दिया हुआ है। और कॉन्क्लूजन की बात करें तो ये वाला लैपटॉप मैं इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ इस बजट में, मैं रिकमेंड करता हूँ। हाँ, जो कि मैं एक पेविलियन यूज करता हूँ, पेविलियन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है एंड ये वाला तो उससे भी इम्प्रूव्ड लैपटॉप है जो कि और भी पावरफुल ग्राफिक्स के साथ आता है, और भी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है और भी वगैरह वगैरह। सो 60K के आसपास मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर ऑफर वगैरह मिले तो 60K के नीचे भी आ जाता है और अगर ये 63 के ऊपर चला गया 64, 65, 66 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उस प्राइस में और भी बहुत अच्छा अच्छा कंपटीटर मिल जाता है इस लैपटॉप का। तो अभी 62 के आसपास मिल रहा है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ जाकर चेकआउट कर लो। तो एंड मुझसे चैट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ जाकर फॉलो करो, देन मुझसे चैट कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल ऑप्शन में सेलेक्ट कर दो। सो दोस्तों मेरा नाम है अनिर्बान और मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।